आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मूंग दाल के लड्डू। ये दिल्ली की फेमस रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक कप मूंग दाल और आधा कप चने की दाल ली है। इसे 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसे हम मिक्सी में डाल के बारीक पीस लेंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे मिक्सी के दाल में और हम बारीक पीसेंगे। बस इसमें दाल को हमने अब पीस लिया है। अब स्वाद अनुसार नमक डाल के खूब 10 मिनट तक फेंट लीजिए। ये इस तरीके से फूली फूली हो जाए। 10 मिनट तक इस तरह से खूब फेंटिए। फिर उसके बाद हम मूंग के दाल के लड्डू तलेंगे। इस तरीके से खूब फेंटिए दाल को 10 मिनट तक। इससे हमारे लड्डू मूंग की दाल के बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे। आइए, हमारी दाल फिट चुकी है। अब हम इनको तलते हैं, लड्डुओं को। नमक मैंने पहले ही स्वाद अनुसार इसमें मिला लिया था। अब हम लड्डुओं को तलते हैं। इस तरह से डालते हैं लड्डुओं को बना के, 4 उंगलियों की मदद से मूंग की दाल को लेते हैं, पिसी हुई मूंग की दाल को, और फिर तलते हैं। इस तरीके से डालते हैं। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। देखिए, अब हम लड्डुओं को तल रहे हैं और कैसे गोल्डन कलर आ गया है हमारे लड्डुओं पे। और हम फ्लेम को मीडियम से थोड़ा तेज़ रखेंगे, तभी हमारे लड्डू अच्छे सॉफ्ट तले जाएंगे। थोड़ा चला चला के लड्डुओं को सेक लीजिए ताकि हर तरफ से लड्डू सिक जाएं। देखिए, लड्डू यम्मी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अब इनको हम सर्व करते हैं। हरी चटनी और मूली के साथ सर्व करेंगे। इससे ये खाने में बड़े यम्मी लगते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।